हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनिग्मा इंक। तो आज हम करेंगे लीब्रा की रीडिंग। ऑल राइट, सो लीब्रा क्या होने वाला है आपकी लाइफ में 2020 में, इन द मंथ ऑफ मे। हिंदी में करेंगे ये रीडिंग। सो जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स सी लीब्रा व्हाट्स कमिंग अप। ओके Libra 2020 yes. Libra in 2020 May. So initially ही cards कुछ ठीक नहीं आए हैं। I think love situation में थोड़ा सा आपको वो मिला है, क्या कहते हैं उसको, फेलियर। आई थिंक आपका लव सिचुएशन किसी के साथ एंड हो गया है। स्कॉर्पियो पाइसिस कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली हो सकते हैं। किसी के साथ आपका लव सिचुएशन था, इट केम टू एन एंड। ठीक है, जस्ट बिगनिंग ही था सिचुएशन, शुरू ही हुआ था और ख़त्म हो गया। लेकिन आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। आई थिंक आप इस सिचुएशन से दूर जाकर कोई नए इंसान से आप कम्युनिकेट करेंगे, मिलेंगे या फिर ऑलराइट। और ये हो सकते हैं वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट लीब्रा, सो या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आपका जो ब्रेक लगा था, जो सिचुएशन ख़त्म हुई थी, अब दोबारा से एक पॉजिटिव वे में शुरू होगा। तो कोई आपके पास आएंगे कम्युनिकेशन लेके जिनके साथ आपका ब्रेक हुआ था। ऑलराइट, ओके। सो लीब्रा, व्हाट आई फील इज दैट के मे बी इस कार्ड, फूल कार्ड से अब मुझे ये लग रहा है कि आपका किसी के साथ रिलेशन शुरू होते हुए एंड हो गया। ऑलराइट, एंड अब आप एक नए स्टार्ट कर रहे हो जिसमें यू हैव लेफ्ट द ओल्ड सिचुएशन, ख़त्म हो गया पास्ट, एंड अब आप बिल्कुल सिंगल हो या अब आप अपने में ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। ऑलराइट, एंड हो सकता है किसी पाइसीज से डील कर रहे होंगे, या फिर ये आपकी एनर्जी है, आपके पास पेट भी हो सकता है। तो आई थिंक कि आप अपनी ही लाइफ को अपने ही तरीके से अब इंजॉय कर रहे हो, जैसे कि आपको फ्रीडम मिल गई हुई है इस डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से। तो शायद एक रिलेशनशिप ख़त्म होकर नॉर्मल फ्रेंडशिप में बदल गया है, एंड इसी वजह से आप मूव ऑन कर गए हो, एंड अब आप काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी फ्री फील कर रहे हो बेसिकली। ऑलराइट लीब्रा, सो यस, देयर वाज एन एंडिंग विद समवन। तो मुझे लगता है कि किसी के साथ एंडिंग हुआ था और जो रिलेशनशिप में थे या किसी कनेक्शन शुरू हो रहा था किसी के लिए, वो ख़त्म हो चुका है और आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। सो विद दिस एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, और उसकी वजह से शायद, यस आई थिंक समवन हैज़ ब्लॉक्ड यू। ओके, किसी ने आपको ब्लॉक किया है और आपको काफ़ी मेंटल स्ट्रेस था, तो उसकी वजह से ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। ओके, और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो आई थिंक मे में किसी के साथ आप सिचुएशन ख़त्म करोगे और आगे बढ़ोगे, लेकिन मुझे लगता है कि सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। ये पर्सन ऑन एंड ऑफ हो सकता है, वापस आ सकता है, फिर जा सकता है। तो ये सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म होने के चांस नहीं है। आई थिंक किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा था और वो ख़त्म हो गया रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं और वापस एक दूसरे के पास आ रहे हो, लेकिन आप लोगों ने सोच लिया है कि आप एक दूसरे के साथ आगे नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लीब्रा, आपको बहुत कन्फ्यूजन है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन को लेकर, या फिर वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में।
सो लीब्रा, आई थिंक आप बहुत उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इन्होंने आपको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस फूल एंड दिस एंड दिस. आई थिंक इन्होंने आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आप फिर भी इनके आप सोचते हो कि शायद चीज़ों को मैं ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर आप हमेशा कोशिश करते हो चीज़ें ठीक करने की, लेकिन आई थिंक इन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया और ये मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन इनके दिल में फीलिंग्स हैं, आपको नहीं एक्सप्रेस करेंगे, अपने दिल में रखेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बार सोच लिया है कि ख़त्म है तो ख़त्म है. ठीक है, वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है किसी किसी के केस में. ओके, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इनको लेकर और इनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पा रहे, लेकिन आप ख़त्म करने की सोच रहे हो, बट आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी है क्योंकि आप बार बार इनके बारे में सोचते हो और इसकी वजह से आपको काफ़ी कंफ्यूजन. शायद आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हुए भी क्यों आपसे बात नहीं करें. तो मुझे लगता है कि एक टॉक्सिक सा सिचुएशन था, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे थे आप, और वो एंड होना ही बेटर है ये उनको ऐसा लगता है. तो मुझे लगता है कि आपको ये फिर से कम्युनिकेट करेंगे, आपके पास फिर आएंगे कम्युनिकेशन लेकर, बिकॉज ये आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे इमोशंस आपके लिए. ऑलराइट, सो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को दोबारा एक चांस दो. तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा, लेकिन अब करंटली सिचुएशन मई में ऐसा रहेगा कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन करेंगे और आप स्टिल स्ट्रेस लोगे इनके पीछे कि ये क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, बट अल्टीमेटली ये इंसान आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया में, वापस आपके पास आएंगे बात करने के लिए. शायद 8 दिन या 8 हफ्ते लग सकते हैं. सो मुझे लगता है कि एक बार और आप इस रिलेशनशिप को और वो इस रिलेशनशिप को चांस देंगे, बट इस रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा झूठ डिसेप्शन बहुत ज़्यादा है. ओके, सो यस, एज आई टोल्ड यू कि आप दोनों में सेपरेशन हो गया है. ऑलराइट, लेकिन ये पर्सन आपके लिए अच्छे हैं, सेफ हैं, बट आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है. कुछ ऐसे एनिमीज हो सकते हैं जो आप दोनों को नहीं मिलाना चाह रहे, आप दोनों को पास नहीं आने दे रहे, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. बट ऑल इन ऑल आई फील फीलिंग्स जो हैं आप दोनों के बीच में है, लेकिन आप दोनों भी सेपरेटेड हो तो आप दोनों वापस आ जाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा ये, क्योंकि आप भी कंफ्यूज्ड हो, आपसे ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आपसे बात नहीं करना चाहते. ओके, सो आप शायद डील कर रहे हो किसी स्कॉर्पियो से स्ट्रांगली, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, देर इज़ लॉट ऑफ लव इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लव है. सो इस चीज़ को आप दोनों ही डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि कार्ड्स में आ गया है कि लव जो है दोनों की तरफ से है, लेकिन वो स्पेशली आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बताना चाह रहे, एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे, बिकॉज आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी कम है. ठीक है, तो आप दोनों बेसिकली सोलमेट्स हो, तो ये भूल जाओ. कुछ लोग जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं, ओके, इनके साथ डील कर रहे हैं, लेकिन सेपरेशन है, लड़ाई झगड़ा है. आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, बट करंटली आप दोनों बहुत गुस्से में हैं, स्पेशली ये, और अभी कंफ्यूज्ड हैं बिटवीन द टू वर्ल्ड्स. ये दोनों, आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हो कि शायद हमें इस रिलेशनशिप को कॉल ऑफ कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए. फिर आप सोचते हो नहीं, इतना प्यार है रिलेशनशिप में, हम एक बार और चांस देंगे इस रिलेशनशिप को. तो ये इससे बेटर है कि आप वापस ऑन एंड ऑफ करो चीज़ें अनस्टेबल करने के बजाय. आप दोनों कुछ कुछ चीज़ों में अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा लव है सिचुएशन में, क्योंकि इसके अलावा और कहीं पे लव मिलेगा नहीं और लव बहुत इजीली मिलता नहीं है. सो ट्राई टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. और शायद आप अपने आप को मार रहे हो या अपने आप को गुस्सा कर रहे हो, अपने आप के साथ हार्श हो रहे हो, नहीं होना. ये एडवाइस है आपके लिए, बी जेंटल विद योर सेल्फ, काम डाउन, रिलैक्स, अपने आप से प्यार करो. ठीक है, तभी लोग आपसे प्यार करेंगे. तो यू नीड टू बी जेंटल विद योर सेल्फ, अपने आप को पहले हील कर लो, गुस्सा ना करो, हील करो, उसके बाद आप कोई स्टेप लो. बिकॉज दिस पर्सन, ये इंसान, जैसे ही आप रिलैक्स करोगे, मेंटल स्ट्रेस लेना बंद करोगे, ये इंसान आपके पास वापस ज़रूर आएंगे कॉन्टैक्ट करने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए. शायद आप
क्रिएटिव लाइन में कुछ अच्छा कर रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स बहुत है आपके अंदर जिसकी वजह से ये बहुत अट्रैक्टेड है आपसे. सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट. टिल देन बाय.